हाल ही में बिग बॉस के घर में आई उर्फी जावेद ने बाहर आते ही एक चौंकाने वाला बयान दे दिया है। दरअसल बीते एपिसोड में उर्फी जावेद घर में आई थी, उन्होंने सबके साथ में काफी मटरगस्ती की। उन्होंने खास कर जिया और बेबिका को अपना टारगेट बनाया। इसके बाद में उन्होंने फाइनल के लिए सबसे आउटफिट का सजेशन लिया। बाहर आते ही उर्फी जावेद ने एल्विस और अभिषेक के बारे में बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि ये शो कौन जीतेगा, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि ये शो एल्विस यादव जीते, क्योंकि वो बंदा जेन्युइन है और एकदम रियल है। उसकी लड़ाई, दोस्ती और पर्सनैलिटी बहुत ही हाई लेवल पर है। वो ये सारी चीजें दिल से निभाते हैं, जो बाहर बैठे दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आती है। अभिषेक भी एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसने पिछले कुछ दिनों में कुछ हरकतें ऐसी कर दी हैं जिससे उनकी छवि नेगेटिव होती जा रही है। ये अभिषेक के लिए एक खतरे की घंटी है। ये पहला सीजन हो सकता है जहां कोई वाइल्ड कार्ड जीत सकता है, और मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस को वाइल्ड कार्ड जिताने का इससे बेहतर कोई और ऑप्शन मिलेगा। ये वाइल्ड कार्ड वाला टैग भी बिग बॉस अपने नाम से हटाना चाहेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी उर्फी जावेद की कही गई ये बातें सही लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ में इस वीडियो को लाइक करें और बिग बॉस से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट खबरें पाने के लिए इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।